जब रिसेंटली मैंने वीगन के ऊपर एक वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, पर कुछ लोगों ने मुझसे ये बोला कि आप वीगन से खिलाफ हो और आप मीट को प्रमोट करते हो। सबसे पहले आप लोग एक बात जानिए कि मैं खुद मीट नहीं कंज्यूम करता, पर अगर कोई भी फूड, चाहे वो नॉनवेज ही क्यों ना हो, अगर उसके कुछ बेनिफिट्स हैं तो मैं रिसर्च और एविडेंसेस के थ्रू उसके बेनिफिट्स अपने वीडियो में प्रेजेंट करता हूं। अब वो फूड आपको खाना है या नहीं खाना है वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप वीगन अपनी चॉइस से बने हैं, किसी भी एथिकल रीजन की वजह से बने हैं या फिर किसी भी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वीगन बने हैं, तो आई रियली रेस्पेक्ट यू एंड अप्रिशिएट योर डिसीजन। पर बहुत सारे लोग वीगन्स बनते हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को देख के, जो एक्चुअल में वीगन है ही नहीं, सिर्फ वीगन होने का दिखावा करते हैं क्योंकि उन्हें वीगन इंडस्ट्री से बहुत सारे पैसे मिलते हैं वीगन सप्लीमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। और कुछ लोग तो पूरे विश्व में ऐसे हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया है गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री के थ्रू। देखिए, हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। आज मैं आपको गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री से जुड़े कुछ ऐसे एविडेंसेस बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इस फिल्म इंडस्ट्री ने हमारा ब्रेन वॉश किया है और हमें फूड के बारे में डरा डरा के वीगन डाइट पे शिफ्ट किया है। देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि आई एम नॉट अगेंस्ट वीगन, मैं वीगन्स के अगेंस्ट नहीं हूं, बट व्हाट मेक्स मी एंग्री इज कि आप झूठ मूठ का किसी भी फूड के प्रति आप डर पैदा करें ताकि लोग एक पर्टिकुलर डाइट पे शिफ्ट हो जाए और आपका बिजनेस बढ़ पाए। इस फिल्म में वीगन के सप्लीमेंट के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वीगन से रिलेटेड फूड जो कि मार्केट में आते हैं उसे बढ़ाने के लिए ये बताया गया है कि लीन मीट, जैसे कि जो चिकन हो गया, फिश हो गया, वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और अगर आप फ्यूचर में इन लीन मीट्स का कंजम्पशन करते हैं तो आपके हेल्थ पे बहुत सारे एडवर्स आउटकम्स ला सकता है। देखिए, इस चीज का ना सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं, साइंटिफिक एविडेंसेस बल्कि उल्टा बोलते हैं कि जो फिश हो गया वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। साथ ही साथ इस फिल्म में कुछ और भी ऐसे फैक्ट्स दिखाए गए हैं जो बिल्कुल गलत हैं। जैसे कि इस फिल्म में ये बताया गया है कि जो वीगन डाइट है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट से काफी सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ हार्ट हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ लोअर कैंसर रिस्क, इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस। फिल्म में जिन एविडेंसेस या जिन रिसर्चेस के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वीगन डाइट एक्चुअल में सुपीरियर है नॉन वेजिटेरियन डाइट से, उन रिसर्चेस में, उन एविडेंसेस में ऐसे नॉन वेज पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था जो अपने डाइट में लीन मीट के साथ भर भर के प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते थे। तो इस फिल्म में उन प्रोसेस्ड फूड को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया और लीन मीट पे निशाना मारा गया कि लीन मीट ही इन सब समस्याओं की जड़ है। इसीलिए गाइस, कोई भी डॉक्यूमेंट्री को जब आप देखें तो उनसे जुड़े रिसर्चेस को आप जरूर पढ़ें। अब एक बहुत ही शॉकिंग चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो शायद ही आप लोगों को पूरे यूट्यूब में किसी ने बताया होगा। देखिए, सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो गेम चेंजर मूवी है उसमें बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स ने फंडिंग की थी जो कहीं ना कहीं वीगन बिजनेस से जुड़े हुए हैं। कुछ एग्जांपल लेके आप लोगों को बताता हूं। देखिए, 2009 में एक कंपनी फाउंड हुई थी बियॉन्ड मीट करके। बियॉन्ड मीट बेसिकली क्या करती है, बियॉन्ड मीट फेक मीट बनाती है। अब आप पूछेंगे फेक मीट क्या होता है। देखिए, प्लांट सोर्सेस से एक फेक मीट बना जाता है जो कि मीट की तरह दिखता है पर वो सिर्फ प्लांट सोर्सेस से डिराइव किया जाता है, तो उसे हम वीगन मीट भी बोल सकते हैं। तो बियॉन्ड मीट का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि हम फेक मीट मार्केट में बेचेंगे और लोगों को कन्वर्ट करेंगे कि वो मीट से शिफ्ट होके वीगन मीट कंज्यूम करें, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री जो है उनके हम जो है प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की बात करते हैं। तो गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो है जेम्स और जो उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं वो है सूजी। जेम्स और सूजी ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। जेम्स और सूजी ने एक कंपनी फाउंड की थी जिसका कि नाम वर्डियंट फूड है। इस कंपनी में उन्होंने $140 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। ये जो वर्डियंट फूड कंपनी है ये ऑर्गेनिक पी प्रोटीन बनाती है। ऑर्गेनिक पी प्रोटीन एक ऐसा प्रमुख इंग्रेडिएंट है जो कि बियॉन्ड मीट कंपनी को लगता था फेक मीट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो गाइस, आप रिलेट कर पा रहे होंगे ये सारा बिजनेस कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब कुछ और चीजें आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जो जेम्स है वो टाइटैनिक मूवी के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। टाइटैनिक मूवी बहुत ही फेमस मूवी है, सब लोग जानते हैं। तो जेम्स और सूजी यानी कि उनकी पत्नी जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री की, तो जेम्स और सूजी टाइटैनिक के सेट पे ही मिले थे। और टाइटैनिक मूवी के जो एक्टर हैं जिनका नाम है लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो
भी बियॉन्ड मीट में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है। इसके अलावा क्रिस पॉल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस एनबीए स्टार है, वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री मूवी के और साथ ही साथ बियॉन्ड मीट में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। इसी के साथ साथ जिन भी मेडिकल प्रोफेशनल का इंटरव्यू आप लोगों को दिखाया गया है इस मूवी में, वो सारे के सारे मेडिकल प्रोफेशनल जो हैं कहीं ना कहीं वीगन बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आप सब उनके जो लिस्ट है, उनका जो बिजनेस है, वो सब मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब कुछ बातें हम आर्नल्ड के बारे में ही बात कर लेते हैं। आर्नल्ड को भी बहुत सारे लोग देख के जो है वीगन में कन्वर्ट हुए। सबसे पहले आप ये समझिए कि जानने की कोशिश करिए कि क्या आर्नल्ड वाकई में वीगन है। देखिए, अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो आर्नल्ड वीगन है, पर वो अपने वीगन डाइट में अंडे को भी इंक्लूड करते हैं। मतलब वो ऐसी वीगन डाइट फॉलो करते हैं जिसमें एग्स भी इंक्लूड होता है। अब आप ही लोग मुझे बताइए कि ये कैसी वीगन डाइट हुई। इस तरह तो मैं भी वीगन हूं। अगर आप वीगन हो तो आप अंडे भी नहीं खा सकते ना, आप अंडे क्यों खा रहे हो? ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आर्नल्ड ने ना अपने पूरे बॉडी बिल्डिंग करियर में मीट, फिश, डेरी, ये सब कंज्यूम कर करके अपना बॉडी बिल्डिंग करियर जब उनका खत्म हो गया तब वो वीगन पर शिफ्ट हुए। तो इस बदलू नेचर के हिसाब से मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि जो वीगन डाइट है वो मसल बिल्डिंग के लिए सुपीरियर है, जैसा कि इस डॉक्यूमेंट्री में पोर्ट्रे किया गया है। इसी के साथ साथ आर्नल्ड के बारे में भी आप कुछ चीज जाने। आर्नल्ड जो है वो भी गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और उन्हें वीगन सप्लीमेंट इंडस्ट्री से बहुत सारा पैसा मिलता है वीगन पाउडर, वीगन प्रोडक्ट्स प्रमोट करने को। अभी कुछ और एविडेंसेस की हम बात करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री में चीजों को कितनी बुरी तरह से पेश करके फालतू में जो है फूड को लेके आप लोगों में डर पैदा किया गया। सबसे पहली चीज इन्फ्लेमेशन। गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री में यह बताया गया है कि जो वीगन डाइट है वो इन्फ्लेमेशन के लिए सुपीरियर होती है एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट या एज कंपेयर टू वेजिटेरियन डाइट। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझें कि रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कोई भी डाइट में अगर आप प्रोसेस्ड फूड एलिमिनेट करते हैं या कम से कम खाते हैं तो वो डाइट इन्फ्लेमेशन के लिए सबसे हेल्दी है। मतलब अगर वीगन डाइट में भी आप शुगर ऐड कर रहे हैं, मैदा ऐड कर रहे हैं, तो वीगन डाइट भी आप में इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ाएगी। तो इट डजंट डिपेंड्स ऑन डाइट टाइप, इट डिपेंड्स ऑन डाइट क्वालिटी। दूसरी चीज, इस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया है कि जो रेड मीट होता है वो कैंसर के चांसेस को बढ़ाता है। देखिए गाइस, रिसर्चेस में ये भी साफ साफ दिखाया जा चुका है कि प्रोसेस्ड मीट, ऐसे रेड मीट जो कि प्रोसेस्ड मीट होते हैं, सिर्फ वही कैंसर के रिस्क को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। रिसर्चेस में जब रेड मीट को, सिर्फ रेड मीट को, यानी कि अनप्रोसेस्ड रेड मीट को जब लिया गया तो उनसे कैंसर का कोई भी लेना देना नहीं देखा गया। ठीक है, तीसरी चीज इस मूवी में यह बताया गया है कि जो हमारे ह्यूमन टीथ हैं और जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मीट को चबाने के लिए और मीट को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बने हैं। इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे वो प्लांट बेस्ड सोर्सेस खा खा के बढ़े हुए हैं। देखिए गाइस, सच्चाई इसके जस्ट ऑपोजिट है। जब हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे हमारे, वो बहुत लंबे टाइम तक जो है शिकार कर करके मीट खा खा के बड़े हुए हैं। मीट खा खा के एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग जाने। अब एक और चीज के बारे में बात करते हैं जो है फिजिकल परफॉर्मेंसेस। मूवी में कुछ एथलीट्स के थ्रू, जो मैक्सिमम एथलीट्स इसी मूवी में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं, उन्हीं एथलीट्स के थ्रू ये बताया गया है कि वीगन डाइट से आपका परफॉर्मेंस, फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी डाइट फॉलो कर लें, अगर आप उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट का इंटेक रखते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन रखते हैं, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखते हैं, तो सारे डाइट टाइप में आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस इक्वल होती है। अभी बात तो करने को बहुत कुछ है बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। सबसे लास्ट एक बेवकूफ़ी वाली चीज़ सुनिए जो इस मूवी में दिखाई गई है। इस मूवी में ये बताया गया है कि जब आप एक हैमबर्गर वाली मील खाते हैं तो उसके द्वारा क्रिएट किया गया जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, उस इन्फ्लेमेशन को एक एवोकाडो खाने से कम किया जा सकता है। यार, एवोकाडो को हैमबर्गर से कौन कंपेयर करता है? बाय द वे, ये जो स्टडी थी ना एवोकाडो की, ये भी स्पॉन्सर की गई थी हैस एवोकाडो के द्वारा। बस इन शॉर्ट, ये जो डॉक्यूमेंट्री थी ना, ये शिट है। देखिए, मैं वीगन को बुरा नहीं कर रहा हूं। वीगन होना, वेजिटेरियन होना बिल्कुल बुरा नहीं है, अगर आप एथिकल रीजन या फिर किसी भी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, या फिर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अगर आप कोई भी डाइट इंक्लूड कर रहे हैं, डाइट क्वालिटी मैटर करती है डाइट टाइप से ज्यादा। और किसी भी डॉक्यूमेंट्री को देख के आप किसी भी डाइट टाइप पे ना शिफ्ट हो, ना दूसरों को ये सलाह दें कि इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा बताया गया है तो आप जो है वीगन डाइट पे शिफ्ट हो जाओ या नॉन वेज डाइट पे शिफ्ट हो जाओ। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्री होती है ना, ये हमें वही दिखाती है रिसर्च से खुरेद खुरेद के जो इनका पर्पस सर्व कर सके। और जनरल पब्लिक ना डॉक्यूमेंट्री पे बहुत जल्दी भरोसा मान लेती है, कभी भी उनसे जुड़े रिसर्चर्स को वो पूरा पढ़ती ही नहीं है। इसीलिए गाइस, प्लीज डॉक्यूमेंट्री पे विश्वास ना करें, कोई भी डाटा फॉलो करें, सब हेल्दी है। डाइट क्वालिटी पे आप
ध्यान दें।